السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة مهترم حاضرين अल्लाह रब्लम की निगाह में अल्लाह रब्बालमीन के यहाँ मकाम मरतबे में अल्लाह के वली जैसा कोई नहीं है जो अल्लाह का वली है उसका मकाम उसका मरतबा उसकी इज्जत उसके साथ अल्लाह रब्लम के इनाम और फजल का कोई शुमार नहीं अल्लाह रब्लामीन अपने अलिया की हिफाजत करता है उनकी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल फरमाता है और उन्हें वो क़यामत के दिन हर किस्म के खौफ और गम से निजात दे करके अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा इस दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह के अलिया को अल्लाह की जानब से ख़ुसूसी हिफाजत नसीब होती ये एक ऐसा मकाम है जो हर इंसान चाहता है कि उसे ये मिल जाए लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि अल्लाह के वली और अल्लाह आलमीन के अलिया के अंदर वो क्या सिफत है जिसकी वजह से उन्हें ये मकाम नसीब होता है बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को अल्लाह का वली मानते हैं जो दरअसल अल्लाह का वली होते ही नहीं हैं और जो अल्लाह का वली होते हैं बसावकात उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अल्लाह आलमीन के वली हैं लिहाजा कुरान करीम की साहित्य करीमा की रोशनी में हम आपके सामने इस बात की हकीकत बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह का वली दरअसल होता कौन है उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी होती है जो उसे एक आम इंसान से अल्लाह की विलायत के मकाम पर पहुंचा देती अल्लाह रबी ने इशात फरमायान कि सुनो बेशक अल्लाह के अलिया वो लोग हैं जिन पर कोई भी खौफ और कोई गम नहीं होगा यह उनका इनाम है जो अल्लाह का वली होता है कि उनके ऊपर खौफ और गम ये दो अजीम तरीन मुसीबतों से अल्लाह रब्लम उन्हें दुनिया में भी और आखरत में भी बचा के रखता है उसके बाद अल्लाह रब्लम ने बयान फरमायाल आमनू वकान तक अल्लाह के वली वो लोग हैं जिनके अंदर दो सिफत पाई जाए पहली सिफत सच्चा ईमान दूसरी सिफत अल्लाह आलमीन का डर अल्लाह का तकवा अगर आपके अंदर सच्चा ईमान है और आप तकवा की जिंदगी गुजारते हैं यानी अल्लाह आलमीन के फराइज और अहकामात की पैरवी करते हैं और अल्लाह के हराम करदा कामों से बचकर जिंदगी गुजारते हैं गुनाह कबीरा से अपने आप को रोकते हैं तो ये दो सिफत ईमान और तकवा आपको अल्लाह का वली और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त बना देती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया फिल फिलहत दुनिया उनके लिए दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है और आखरत में भी उनके लिए खुशखबरी है यानी उनके लिए अल्लाह आलमीन की जानिब से फ़ज़ल का इनाम का नुसरत का हिफाजत का जन्नत का इन तमाम चीज़ों की अल्लाह आलमीन ने उन्हें बशारत दी है और उनके दिलों में खुशियाँ दाखिल कर दी हैं और ये फजल ये कमाल सिर्फ उसे हासिल है जो अल्लाह का वली है और अल्लाह का वली कौन है हर वो मुसलमान जिसके पास ईमान और तकवा है लिहाजा हम और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमान और तकवा पैदा करें अपनी ज़िंदगी को ईमान और तकवा की रोशनी में गुजारें ताकि हमें भी अल्लाह रब्लम की जानिब से ये सारे इनामात, ये सारे फजल मिल सकें और हम भी अल्लाह रब्लम के अलिया के जुमरे में शामिल हो सकें अल्लाह रबालमीन हम सबको इस दुनिया की जिंदगी में ईमान और तकवा की जिंदगी नसीब फरमा आमीन रहमतुल्लाहि व बरकातहू